बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों, बताता बैठो, बता दो आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने, बताता नहीं नहीं यही सब होगा, बताइए ना, मतलब कोविड-19 का मतलब यही सब होने वाला, डॉक्टर है ना, बताइए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बताओ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, ये इतना पेज है, ये ज्ञान है, मतलब बिल पढ़ा नहीं, ज्ञान है, पेज कितना पढ़ा है, ना तुमको कोविड का मतलब मालूम था, ना तुमको तीन लोग है, बताइए ना, बताइए, मुझे कुछ नहीं मालूम। अक्सर हमने भाजपा नेता संबित पात्रा को डिबेट्स में हर मुद्दे पर चर्चा करते या फिर विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए देखा है। संबित मीडिया डिबेट में ज्यादातर विपक्ष पर हावी होते ही दिखाई देते हैं, पर जब विपक्ष का कोई नेता संबित पात्रा से जनरल नॉलेज या फिर उसी मुद्दे से जुड़ा कोई सवाल पूछता है तो संबित उसका जवाब नहीं देते हैं या फिर बात को गोलमोल कर जाते हैं। आपको याद होगा 5 ट्रिलियन वाला वो सवाल जिस पर संबित लड़खड़ाते दिखाई दिए। 5 ट्रिलियन का जिक्र पीएम मोदी कई बार अपने भाषण में कर चुके थे, जिसके बाद देश में हर कोई 5 ट्रिलियन की ही बात कर रहा था। तभी एबीपी न्यूज पर एक शो में संबित पात्रा से कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये सवाल पूछा, तो देखिए संबित पात्रा ने क्या जवाब दिया। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी जी ने हवा में नहीं की। मुझे ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है। 5 ट्रिलियन 5 रुपए का पार्ले जी छीनो सबसे पहले। जो गरीब आदमी 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खाता है उसकी जेब से 5 रुपए निकाल लो। 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन में, संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों, बताता बैठो, बता दो आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने, बताता बताता आप सुनो आज, बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ मैं, जवाब देता हूँ जवाब, मैं जवाब देता हूँ 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते, ये देखिए इनका इनका ज्ञान देख लिया आपने, 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता, 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं बता दे, तो मेरा चैलेंज है इनको आज 5 ट्रिलियन में कितने, चलिए आप ही बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि गौरव वल्लभ ने 5 ट्रिलियन के सवाल के बाद संबित पात्रा की नॉलेज ना चेक की हो। न्यूज 18 पर CAA के विषय में हो रही डिबेट में संबित CAA के बारे में काफी बातें कर रहे थे और पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे थे। तभी गौरव वल्लभ ने इसी से जुड़ा एक सवाल निकाला और पूछा सिटीजनशिप एक्ट के ऑफिशियल गजट में कितने पेज होते हैं, जिस पर संबित ने क्या जवाब दिया आप खुद ही सुन लीजिए। हम इतने गंभीर विषय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि बिल में लिखा हुआ है कि मुगैम्बो जिंदाबाद कहने वालों को सिटीजनशिप दी जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं सोनिया जी से, वो अध्यक्षा है, दिखाएं कहां लिखा हुआ है मुगैम्बो जिंदाबाद। ये कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, वो एक बार बिल देखा भी नहीं है, डिबेट करने आए। इन्होंने कहा कि साहब ये बिल एक्ट पढ़ के नहीं आए, मेरा इनको चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, उस एक्ट में ऑफिशियल गजट में कितने पेज है अगर ये आप बता दो, अगर ये बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको, मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ, बताओ बताओ यहाँ पे बताओ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, ये इतना पेज है, ये ज्ञान है, मतलब बिल पढ़ा नहीं, ज्ञान है, पेज कितना ज्ञान है, देख लिया आपने, कैसे इनको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि CAA एक्ट में ऑफिशियल गजट में कितने पेज है, 4 पेज है, चलो नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है, आप देखिए सब लोग नहीं है, यही इनका झूठ है, आप बताइए, यही इनका चाल चरित्र है, बताइए नहीं, ये पेज 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 के ऊपर। देश में जब कोरोना शुरुआती दौर में था तब इस मुद्दे पर मीडिया में काफी चर्चा चल रही थी। इस मुद्दे पर एबीपी न्यूज पर एक डिबेट हुई जिसमें संबित पात्रा और रोहन गुप्ता मौजूद थे। इस डिबेट में संबित पात्रा कोरोना से लड़ने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है इस पर जानकारी दे रहे थे। तभी रोहन गुप्ता ने संबित पात्रा से कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछा और संबित इस जवाब को भी गोलमोल कर गए। डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, कोविड-19 का आपको फुल फॉर्म मालूम है डॉक्टर साहब? अब आप लोग जेल में बता रहा हूँ, यही सब होगा, बताइए ना, मतलब कोविड-19 का मतलब यही सब होने वाला, डॉक्टर है ना, बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, नहीं मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बताइए पूछिए, आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोविड-19 बताइए, कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछिए इनसे, मैं बताऊंगा, तैयारी भी ना आपने बताऊंगा, जब ये तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सरकार क्या बताए, बताइए, जीके टेस्ट नहीं हो रहा, कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछिए इनको, मैं बता रहा हूँ क्या सीरियसनेस है, ठीक ये मेरे देश के प्रवक्ता है बड़ी पार्टी के जिनको कोविड-19 मालूम नहीं है, सर मैं ये नहीं समझ पाती हूँ, कोरोना लगता है इस प्रकार के बचपने से नहीं, कोरोना कैसे हुआ, चलिए ठीक है, आप देखिए डॉक्टर है नेशनल टीवी पे, एक डॉक्टर साहब कोविड-19 का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं, ये इनकी सीरियसनेस है, एक सुन लीजिए, हो गया हो गया,
हम कोरोना वायरस पे ही डिस्कस कर रहे हैं भैया, अभी भी ये फुल फॉर्म नहीं जान पा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। इनका फुल फॉर्म मालूम है आपको? क्या हो रहा है? अरे आपको पता है तो आप बता दीजिए क्या हो रहा है। अगर हाल ही की बात करें तो देश में किसान आंदोलन चल रहा है। आज तक चैनल पर 3 कृषि कानूनों को लेकर डिबेट चल रही थी। इस डिबेट में संबित किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या किया, इस पर बात कर रहे थे। तभी रोहन गुप्ता ने 3 कृषि बिलों के नाम पूछ लिए, जिस पर संबित ठीक से जवाब नहीं दे पाए। आपसे एक सवाल, तीनों जो लॉ है, अंजना जी, अंजना जी, ये अंजना जी, अंजना जी, प्लीज मैं कृपया करके, आप लॉ के नाम बताइए, आप मैं बोलूं, आप लॉ के नाम बताइए, अंजना जी पूछिए, मैं ये नहीं बताऊंगा, पूछिए कि बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुम्हें लॉ का। अगर आपको लॉ का नाम भी नहीं पता है तो डिबेट छोड़ के भागिए यहाँ से, क्यों आए डिबेट में? लॉ का नाम पता नहीं है, डिबेट करने आए हैं? अंजना जी पूछिए, जैसे राहुल गांधी है वैसे ही तुम हो। राहुल गांधी जी कानून के नाम, अरे भैया राहुल गांधी जी बताइए, अंजना जी मैं कृपया करके बोलूं, मैं शांति से मुझे कुछ नहीं मालूम। राजीव गांधी फंड को लेकर एक विवाद ने पिछले दिनों काफी सुर्खियां बटोरी थी। आज तक पर इस मुद्दे पर एक डिबेट देखने को मिली। इस डिबेट में संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाते दिखाई दिए। इसके बाद गौरव वल्लभ ने संबित पात्रा की बात सुन के एक वर्ड को पकड़ा और संबित से इसका मतलब पूछ लिया। हमेशा की तरह संबित इसे भी टालते ही नजर आए। यहाँ आपकी जो नीयत यह दिखती है कि चाइना को सब कुछ दे दो, अपना पैसा भी, ट्रेड डेफिसिट आपने 33% बढ़ा दिया था पैसे लेके चाइना से। इन्होंने बात कही कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ पूरी हो गई है। इन्होंने कहा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। समित भैया ट्रेड डेफिसिट क्या होता है जरा बताना। अंजना जी आप थोड़ी मदद कर दीजिए, आपने नहीं, मैं कुछ नहीं जानता भैया, तुम मैं ट्रेड डेफिसिट छोड़ो, पहले ये बताओ कि मोटा माल कहाँ छुपा है ये बताओ। बताओ ना, अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता है ट्रेड डेफिसिट क्या होता है गौरव भैया, और ये बताओ ये मोटा माल कहाँ छुपा के रखा हुआ है माँ बेटे ने। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है बताओ। कौन सा सवाल पूछा आज देश, कौन सा सवाल पूछा? संबित पात्रा, प्रोफेसर साहब मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, पैसा कहाँ छुपाया है ये बताओ। बताइए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है ये सब मेरे से मत पूछो। आपने कौन बनेगा करोड़पति में कई लोगों की मदद करी, इनकी बेइज्जती होने से बचा लीजिए। प्लीज अंजना जी बचा लीजिए इनकी बेइज्जती होने से। अरे उन्होंने खुद ही बता दिया है गौरव जी। अरे बताइए ना, क्या बताएं? संबित ने इतने टेस्ट तो शायद स्कूल में भी नहीं दिए होंगे जितने विपक्षी नेताओं ने उनसे डिबेट्स में ले लिए। लेकिन संबित से ऐसे सवाल भविष्य में भी होते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे से वो ज्यादा तैयारी करके आएंगे। इनका ज्ञान आपने देखा, कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, कोई बात नहीं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।